हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज़। पर पैनल से मिलवाते हैं, शानदार पैनल है हमारे साथ, सुखबीर तवर, प्रवक्ता इनेलो। तवर साहब बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं हमारे स्टूडियो में आपका। हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत यादव, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। डॉक्टर हिम्मत, काफी हमलावर रही आज कांग्रेस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दलबीर धनखड़ है प्रवक्ता जेजेपी, धनखड़ साहब आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रही है डॉक्टर शालिनी यादव। डॉक्टर शालिनी, एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर स्वागत करती हूँ मैम आपका। शुक्रिया, आऊंगी मैं आपके पास, एक बार सबको जरा सुन लेते हैं, चूंकि कांग्रेस काफी मुखर रही आज वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, तो डॉक्टर हिम्मत आप ही से शुरू कर देते हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि दोहरा चरित्र है सरकार का वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, समझाइए। देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से कोरोना का आज 50,000 से ज्यादा हरियाणा के अंदर केसेस हुए हैं, मैं आपको रोक रही हूँ। और हमारे साथ विकास वर्मा, एक व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है, बोलिए हिम्मत साहब। जिस प्रकार से इस महामारी ने अपना जो विकराल रूप जो है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर जिस प्रकार से लिया है, इसकी जो चिंता सबसे पहले इस देश के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने चिंता की थी तो राहुल जी ने चिंता की थी। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले चेताया था, जनवरी फरवरी के माह में ही चेता दिया था कि ये जो बीमारी है ये इस देश के अंदर एक ऐसा विकराल रूप धारण कर सकती है अगर आज के समय पर सही कदम नहीं उठाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात का कोई इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, जिसके कारण से आज पूरे देश को कितने पिछले 4-5 महीनों से जो है कम संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में सरकार लेके आई, जिसकी कोई आवश्यकता जो है उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारे पास विदेशों के अंदर जिस प्रकार से फैल रही थी, एक विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने इस बात की चिंता जताई, देश के जो हेल्थ से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने इस बात की चिंता जताई, लेकिन सरकार के पास इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके कारण क्या नुकसान इस देश को भुगतने पड़े, आज लाखों कम से कम इस पूरे 3-4 महीने के अंदर करोड़ों से ज्यादा रोजगार जो है चले गए। आज बिजनेसमैन जो छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं जो अपनी छोटी मोटी दुकान चला करके देश को आर्थिक तौर पे जो है टैक्स भी देने का काम करते थे और करोड़ों लोगों को जो है रोजगार देने का काम करते थे, आज उनकी दुकानें बंद हैं, आज उनके पास किराए का पैसा देने के लिए नहीं है। और फिर उसके बाद में इनका जो मॉडल, कभी लॉकडाउन खोलना, कभी लॉकडाउन बंद करना, कभी 2 दिन करना, कभी 4 दिन करना, ये दर्शाता है कि इनकी जो दृष्टि है, जो इनकी प्लानिंग है, जो विजन है इनका, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है कोई ना कोई इनके पास इसकी जो है योजना नहीं थी, जिसके कारण इनको जब जैसा किसी ने बता दिया वैसा ही कर दिया। ऐसा कभी आपने किसी भी देश के अंदर किसी प्रकार से इस तरह से नहीं देखा गया। आपने हमारा पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान, उसकी आप जो है मैनेजमेंट देख लीजिए, आप दिल्ली की मैनेजमेंट देख लीजिए, तमाम ऐसे जो है मुख्यमंत्री जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है काम किया, किस तरह के मॉडल जो है स्थापित किए और उन मॉडल्स का फॉलो नहीं किया गया, उसके कारण से आज इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता के साथ जो आज नौकरियां उनकी चली गई, आज उनके ऊपर कर्जे जो है खड़े हो गए, किस प्रकार से मजदूरों का विस्थापन हुआ और आज वो बेचारे भूख के कगार पे खड़े हैं, तो इतने बड़े संकट से ये देश जो है गुजरा है, प्रदेश गुजरा है, और आने वाले समय के अंदर इसका जो नुकसान है वो और विकराल रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, कि व्यापारी जैसे कि हमने बताया हमारे साथ का जी, दूसरा देखिए आप कि सरकार की मंशा देखिए आप, एक तरफ तो व्यापारियों को ऊपर तो अंकुश लगाते हैं, जबकि इतने समय हो गया कोई गाइडलाइंस इस प्रकार से तैयार करके और बड़े योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन को सुचारू रूप से करके इसको चलाया जा सकता था, लेकिन आज फिर एक जो है तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि व्यापारियों को भाई आप शनिवार और एतवार को जो है उनकी दुकानें बंद रहेंगी, तो इसके अंदर जो है सरकार की कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है फेल जो है सरकार रही है। चलिए व्यापारी की राय भी जान लेते हैं, हालांकि हमने सड़क पर देखा। विकास जी, क्या नाराजगी है सरकार से? जी नाराजगी ये है जी, ये जो सरकार है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये जमीनी स्तर पे जुड़े हुए नहीं है, इनको ये नहीं पता कि व्यवसाय को चलाने के लिए क्या क्या परेशानियां होती है। ये अपने घर बैठे हैं, एसी रूम्स में बैठे हैं और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। जब एक व्यापारी बाजार में स्ट्रगल करता है, उसके सामने 50 खर्चे होते हैं, उसके साथ में 50 परिवार जुड़े हुए होते हैं,
कि एक एक अगर व्यापारी है तो वो जिसका मकान या जिसकी दुकान किराए पे ली है उस मकान मालिक का किराए के रूप में उसका रोजगार चलता है, और एक दुकानदार है वो अपने व्यवसाय के थ्रू अपने परिवार की रोजी रोटी पालता है और अपने साथ में जो काम करने वाले बंदे हैं जो लोग हैं उनके परिवार का भी पालन पोषण उससे ही करता है। अब आप देखिए जी, 30 दिन का टाइम होता है एक महीने में, 30 दिन का वो बंदा बिजली का बिल भर रहा है और किराया दे रहा है और अपने खर्चे वही 30 दिन के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर हफ्ते में 2 दिन बंद हो गए, जैसे ये लोग जो सरकारी लोग हैं ये कहते हैं जी 2 दिन, अभी खट्टर साहब आपके 2 दिन के सवाल का जवाब भी साहब ने दे दिया है, अनिल विज ये कह रहे हैं आपके 2 दिन बंद का जवाब दे दिया अनिल विज ने। विज साहब ने कहा कि संडे तो ऑलरेडी पहले से बंद होता था, संडे को तो छुट्टी होती थी, हमने सिर्फ एक सेकंड सर सुनिए, एक सेकंड सुनिए, अगर सरकार ये कह रही है, सर सुनिए विकास जी सुनिए, अगर सरकार ये कह रही है कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मैं आपकी भी बात रख रही हूँ लेकिन विज साहब ने क्या कहा वो शायद अपडेट नहीं है आप तक, इसलिए पहुंचा रही हूँ। ठीक, विज साहब अगर ये कह रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, हमने सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है, संडे को तो छुट्टी होती ही है, संडे को तो ये लोग छुट्टी लेते ही हैं, सिर्फ एक दिन का हमने लॉकडाउन बढ़ाया है और ये आप सभी के लिए, ये हम सभी के लिए सुरक्षा के मानक के तौर पर फैसला लिया गया, तो इसमें गलत क्या है सर? आपकी नाराजगी सिर्फ इस एक दिन के लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर है या फिर शराब की दुकानें खुली रही आपका शटर डाउन रहेगा इसे लेकर नाराजगी है? नहीं, शराब की देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक व्यापारी जो दुकानदार है वो पूरे हफ्ते इंतजार करता है कि कब हफ्ते का वीकेंड आए और वो शनिवार शुक्रवार और एतवार को ही जो नौकरी पेशा है वो नौकरी पेशा को छुट्टी मिलती है शनिवार एतवार को। देखिए वीकेंड इसीलिए वीकेंड बोला जाता है कि हफ्ते के एंड में छुट्टियां होती है। एक जो परिवार है वो अपनी घरेलू नीड होती है, मैं एक मोबाइल फोन के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, देखिए मोबाइल फोन एसेंशियल नहीं है बट एक को आज की डेट में नेसेसिटी है, अगर एक परिवार को जरूरत पड़ी तो वो हफ्ते के आखिरी दिनों में ही प्लान करते हैं कि कैसे बाजार में जाना है, कैसे चीजें खरीदनी है। और आज की डेट में जो कस्टमर है उनको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। अगर आप बाजार में जाएंगे, बाजार में आप देखोगे कि हर एक तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए हैं, सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए हैं व्यापारियों ने, बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं बाजार में। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते हैं जी सोशल डिस्टेंसिंग को हमने खत्म बढ़ाना है इस वजह से 2 दिन की छुट्टी देंगे। नहीं, देखिए एक दुकान पे 7 दिन अगर ग्राहक जाएगा तो ग्राहक के पास 7 दिन होंगे, व्यवसायी के पास 7 अलग अलग दिन होंगे ग्राहकों को अटेंड करने के लिए, और वो 2 दिन की छुट्टी तो मतलब जो 7 दिन में ग्राहक आने थे वो 5 दिन में आएंगे, उल्टा भीड़ बढ़ेगी बाजार में, उन 5 दिनों में भीड़ बढ़ जाएगी। भाई या तो हमारी सरकार जो है ये कह दे जी आप शटर डाउन कर दो, हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की डेट में एक लोकल और वोकल जो नारा दिया है बीजेपी ने वो लोकल वोकल नहीं हो रहा है, ये सब ऑनलाइन जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऑनलाइन ही शॉपिंग करें कस्टमर भी, ऐसा नहीं हो सकता जी, ये भारतीय परंपरा है, जब तक आप बाजार में जाके चीजों को देखेंगे नहीं खरीदते आप। लेकिन ये जबरदस्ती ग्राहक को फोर्स कर रहे हैं कि ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन तो 7 दिन खुले हैं, हमारा दारू के ठेके से कोई मतलब नहीं है जी। देखिए वैसे बंद करना है तो सब कुछ बंद कीजिए, तरीके से कीजिए ताकि जो ग्राहक अगर 5 दिन नहीं, आपकी बात आपकी जगह पर ठीक है और आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलना भी चाहिए सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दलबीर धनखड़ ही है, बीजेपी से आज कोई है नहीं, लेकिन मैं धनखड़ साहब आऊंगी, सबको जरा सुन लीजिए। तवर साहब आपकी क्या राय है आज जो हुआ वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, हमें मिला जुला असर दिखाई दिया, काफी लोगों ने इसकी सराहना भी की कि ठीक है, कुछ ने कहा कि अगर लॉकडाउन करना है तो एक साथ 10 दिन के लिए क्यों नहीं कर देते, इस तरह से फायदा नहीं होगा। और इन्होंने अभी विकास जी ने जो कहा है, हमने फोन लाइन खोली थी तो कई दर्शकों ने यह भी कहा कि जब 5 दिन खुले रहेंगे वहां भीड़ बढ़ जाएगी, तो क्या ऐसा कुछ परिदृश्य दिख रहा है? अनामिका जी, संपूर्ण जो कोरोना का लॉकडाउन रहा पहले और उसके बाद अनलॉक हुआ, हरियाणा सरकार में कोई समन्वय नहीं है और असमंजस की स्थिति है। उसका मैं उदाहरण आपको दूं, एक तरफ तो आपके यहाँ भी, आप तो चलो उस वक्त नहीं थी डिबेट इस तरह की, किसी दूसरे चैनल पे थी, एक तरफ तो ये पूरी कैपेसिटी में हरियाणा परिवहन सेवा को लागू कर रहे हैं पूरे हफ्ते, ठीक है, और दूसरी तरफ ये वीकली लॉकडाउन कर रहे हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की आपको परवाह है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, तो उस स्थिति में
आप हरियाणा परिवहन का पूरा बेड़ा फुल कैपेसिटी 52 सीट्स के साथ कैसे उतार सकते हैं, ये अपने आप में विरोधाभासी है। दूसरा जिसका जिक्र आपके रिपोर्ट में भी हुआ, देखिए शराब कोई इसेंशियल कॉमोडिटी है नहीं। जब आपने वीकली लॉकडाउन कर दिया सैटरडे संडे का, तो फिर शराब का भी कर देते। चूंकि आज हरियाणा सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए जो मासिक वेतन है उसके भी पैसे नहीं है, जो क्लास थ्री और क्लास टू के जो वेतन है वो 10, 12, 15 और क्लास वन के तो 20 तारीख तक भुगतान हो रहा है इस कोरोना काल में। ये धरातल की मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए जो जिस प्रकार से सरकार असमंजस की स्थिति है, इस स्थिति से उभरे, एक तय करे कि हमने करना क्या है। एक तरफ तो आप 52 कैपेसिटी पूरी कैपेसिटी के साथ बसें चला रहे हैं, उससे तो आपकी जो लॉकडाउन की अवधारणा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आप वीकली लॉकडाउन कर रहे हैं, तो इन बातों का कोई तालमेल नहीं है। आप तरीके से जो एक अगर जरूरत है आप बढ़ा दीजिए ना, पहले की तरह लॉकडाउन कर दीजिए। और इससे बुरी बात नहीं हो सकती, जब हजारों में तादाद थी उस वक्त तो इन्होंने सारा देश बर्बाद कर दिया लॉकडाउन के नाम पे, और आज जब 30 लाख से के आसपास केसेस हैं इस देश में, तब कोई सब अनलॉक कर रहे हैं। ये कोरोना काल में निपटने के लिए केंद्र सरकार और खासतौर पर हरियाणा सरकार पूर्णता विफल रही है, इनमें कोई समन्वय नहीं है, जवाब ले लेते असमंजस की स्थिति है इनकी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनखड़ साहब, सरकार ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन में गैर जरूरी चीजों को छोड़कर जरूरी चीजों को छोड़कर गैर जरूरी संस्थान जो है वो बंद रहेंगे। शराब कब से जरूरी होने लगी सर? नामिका जी, बिल्कुल आप बात जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, डिबेट आपकी अच्छी है, जो मुद्दे जो मेरे मित्रों ने रखे हैं बिल्कुल अच्छा, हमेशा डिबेट अच्छी होती है सर मेरी। बिल्कुल नहीं, ये जो मुद्दा जो आपने कही शराब कब से जरूरी होते हैं, बिल्कुल शराब कब से जरूरी होगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शराब बिल्कुल जरूरी नहीं है, चीजें सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बस छोटे छोटे मैं थोड़े से अपने मित्रों के सवालों के जवाब दूंगा, फिर मैं इस मुद्दे पे। पहले इसका जवाब दे दीजिए ना, आपने जब जिक्र कर ही दिया। मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, ये नहीं है कि बाकी चीजें जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। हाँ, मैं तो मान गया इस बात को, मतलब गलत हुआ ना। मैं आ रहा हूँ ना जी, मुद्दे पर मैं भी आ रहा हूँ। अब मेरे मित्र ये नहीं बता पा रहे इन लो वाले लॉक करें या अनलॉक करें। अच्छा, दोनों मुद्दे रख दिए इन्होंने, अनलॉक भी चाहते लोग भी चाहते, सदे हुए चाल में, मतलब नहीं, चिंता का विषय ये नहीं करना चाहिए। दो मुई बातें कभी इंसान को नहीं करनी चाहिए, साफ सुथरी बातें अच्छी लगती हैं। सरकार ने बिल्कुल 2 दिन का लॉकडाउन किया है, क्यों किया है, तादाद थोड़ी सी पिछले 5-7 दिन में बढ़ने से बढ़ गई, बिल्कुल, इसलिए सरकार ने के ये किया कि कैसे हम लोगों की जान माल को हम बचाएं। और आप सबको पता है विधानसभा का सत्र आ रहा है इसी सप्ताह, आने वाले सप्ताह में प्रॉपर जिसको कहते हैं प्रॉपर चर्चा प्रॉपर काम होने का हमारे पास एक समय है। तो ये बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी रखी कि भाई 2 दिन का हम रखें, क्यों तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस चीज की तरफ ध्यान दिया है सबने। मैं मानता हूं तकलीफ हुई, व्यापारियों को भी तकलीफ हुई, किसान को भी तकलीफ होगी, सबको तकलीफ हुई है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु तकलीफ हम क्यों झेलते हैं और क्यों हम इसको अच्छा कदम मानते हैं, हम इसलिए मानते हैं कोई नहीं चाहता हमारे स्वास्थ्य से, हमारे प्रदेश के बच्चों से कोई इसी तरह खिलवाड़ो। अब आप जब स्कूलों की बात करेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे स्कूल खुलने चाहिए क्यों हम फीस दे रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं अभी नहीं खुलने चाहिए, हमें बच्चों से अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये दोनों बातें ठीक है अपनी जगह अपनी जगह, पर सरकार वही काम करती है जो जनता की भलाई के लिए, कोई एक आधी कमी रह जाती है, जैसे दारू की बात आपने रखी बिल्कुल रखी है, पर इसका बारे में सुबह ही मैसेज आ गया था, डीसी साहब आप अपने जिले में कोई फैसला ले सकते हैं, कोई डीसी साहब आप अपने जिले में फैसला ले सकते हैं, ठीक है वो खुले हैं बिल्कुल खुले हैं, इसमें अगर कोई कमी खमी रही है ताने वाले विधानसभा सत्र में अगले वीकेंड पे ये बातें प्रॉपर तरीके से लागू कर दी जाएंगी, बिल्कुल विस्तार से टाइम से पहले बताया जाएगा। इस बार तो ये रहा जैसे कल ही कोई बात आ गई और आज से लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल इनको सबको तकलीफ हुई है, मैं कह रहा हूँ सबको तकलीफ हुई है और सरकार से ये छोटी मोटी गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं, मानने में क्या बुराई है, परंतु हैरान मेरे को यहाँ होती है, मेरे मित्र ने राजस्थान का बड़ा मॉडल बढ़िया बताया, कांग्रेस के मेरे मित्र ने, अरे भैया आपके प्रदेश अध्यक्ष आपके डिप्टी सीएम को आपके सीएम ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकम्मा बता रहे हैं,
ऐसी ये पहली पार्टी दुनिया की जिसमें आर्यमत को, रेगुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं दे पाए एक साल में। आप क्या बातें कर रहे हैं, देश के साथ तो खिलवाड़ आप कर रहे हैं, अपोजिशन सबसे बड़ी आप हैं इस देश में, आपके पास अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपका, कोई बताए ना, छोड़ के भाग गए जी से। राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ के भाग गए, वो क्या बातें कर रहे हैं। आज आपके पास रेगुलर कोई आदमी नहीं है जिसको आप रेगुलर बना सके, तमाशा ना बनाए, बात को रखने का सिस्टम रखो। राजस्थान का क्या उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा इसी हिंदुस्तान में कभी भी नहीं होया, पॉलिटिकल पार्टी के दो नेता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो प्रदेश के पिछले 1.5 साल से आपने प्रदेश अध्यक्ष 2 साल से बना रखे हैं, उनको कह रहे निकम्मा है, नकारा है, ये बात आप कर रहे हो, और वही मुख्यमंत्री है। अब वो वापिस जा गले मिल गए, हैरानी ना करो, प्रदेश की जनता, देश की जनता सारा समझती है, हमने जो प्रोग्राम चाहे प्रदेश में बनाए चाहे देश में बन रहे हैं, वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। छोटी मोटी कमी मैं फिर कहता हूँ, हम तो मानने वाले लोग हैं। विकास जी को जवाब नहीं दिया आपने। मैं जी, विकास जी ने बिल्कुल 16 ने बात सही रखी है, तकलीफ हुई है शनिवार को, इतवार को तो दुकानें बंद है, लीगल है ये तो, एक हफ्ते में एक छुट्टी तो फिक्स है, परंतु ठीक है, कोरोना टाइम के बाद सरकारों ने ये सोचा शनिवार इतवार को भी क्यों ना दुकानें खोल ली जाए, आगे ये रिकवरी मतलब भरपूर दोनों पार्टियां सरकार विपक्ष सारे बैठेंगे विधानसभा में, ये बातें रखी जाएंगी, किसी का कोई नुकसान ना हो और किस तरह से प्रदेश और देश का भला हो, इसमें हम अगला कदम कैसे रखें। बिल्कुल बहुत बड़ी बीमारी है, दुनिया जानती है, दुनिया मतलब आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मैं और बताना चाहूंगा, राजस्थान का बता दिया, राजस्थान का मेरे को जरा जवाब दे दें, प्रदेश अध्यक्ष आपके नकारा है जो आप 2 साल से डोरे हैं, या आपके डिप्टी सीएम में कुछ नहीं कर रहे, नकारा है, आवारा है, ये बात आपके सीएम साहब कह रहे हैं, इस देश को आप डिबेट में रहते हुए बात करते हैं। मुझे डॉक्टर शालिनी के पास जाना है, हिम्मत साहब आप काफी देर से हाथ रेज कर रहे, तो आप मैं बड़े जो है सटीक सवाल जो है धनखड़ साहब से या सरकार से पूछे थे, लेकिन धनखड़ साहब जो है सही जवाब ना देने के बजाय इन्होंने जो है जो हमेशा से जो रास्ता चुनते हैं कि सीधा कांग्रेस के ऊपर, भाई ये हमारा डिसीजन है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है नहीं बनाना है वो हमारा डिसीजन है। और दूसरी बात उस पर भी आ जाता हूं कि राहुल जी ने, मैं कई बार बता चुका हूं, जिम्मेवारी महसूस करते हुए कि प्रदेश जो है देश के अंदर उनके नेतृत्व में जो है चुनाव लूज किया, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा दिया है। सोनिया जी ने उस मुश्किल वक्त के अंदर संभाला। और दूसरी बात आप करते हो कि राजस्थान की, मैंने तो एक मॉडल की बात की थी, आपके दादा गौतम क्या 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 कहते घूम रहे हैं डिप्टी सीएम के बारे, आपके ही विधायक हैं, आप ही के सम्मानित विधायक, आपके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, अनिल विज साहब क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, किस प्रकार से डिपार्टमेंट का जो है वो स्ट्रगल चली है ऊपर प्रदेश में, देखा किसके बारे में क्या कहता था, ये डिबेट इस पर है ही नहीं, इन चीजों में वीकेंड कहीं पास कहीं फेल क्यों आ रही हूँ, तब जब आपके पास भी आ रही हूँ, एक छोटा सा कमेंट मुझे डॉक्टर शालिनी से भी लेना होगा, इनको नहीं जाना चाहिए, ठीक है सर, आज जवाब अनामिका जी एक मिनट, आज जवाब देना चाहिए, जब पीएम केयर के अंदर देश की अनमोल रतन 10-10 सरकारी कंपनियों ने पैसा दिया, आज उसका जवाब नहीं दे सकते, आज जो है आप जो है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण करने के लिए आप आतुर हैं, सब कुछ इस देश को बेचने के लिए आप तैयार हैं, आज जो देश के अंदर इसरो जितनी सरकारी चीजें आप देखते हैं वो कांग्रेस की देन है, जो बड़ी बड़ी जो है अनमोल रतन जो कोहिनूर जो इस देश की कंपनियां हैं, ONGC है आपकी, LIC है आपकी, ये तमाम कंपनियां सरकारी बैंक जिनको नेशनलाइज किया गया, आज उन बैंकों को आप निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम जो है मुनाफा कमाना नहीं होता, सरकार का काम होता है आम आदमी और गरीब आदमी की जो है सेवा करना। चलिए फिलहाल तो दुकानदार और व्यापारी के मुनाफे की बात हम यहाँ पर कर ले। देश के अंदर 32% बेरोजगारी, हरियाणा के अंदर 43% बेरोजगारी, उन मुद्दों पे आप बात। चलिए ठीक है डॉक्टर शालिनी, आपने सभी को सुना, नहीं मैं बारी बारी से ही आऊंगी, वो काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैंने आपको हिम्मत साहब दोबारा मौका दिया था। डॉक्टर शालिनी आपने सभी को सुना, वीकेंड लॉकडाउन कहीं पास कहीं फेल क्यों हुआ, दारू की दुकानें क्यों खुली रही, बाद में पत्र लिखा गया था और ये बताया गया कि डीसी के पास आखिरी पावर होता है ठेके खोले जाने को लेकर, ये बाद में लिखा गया। इस बीच में कुमारी शैलजा का ये बयान आ चुका था कि दोहरा चरित्र है ये सरकार का। अनामिका जी, बहुत ही हास्यास्पद सी स्थिति लगती है मुझे जब मैं देखती हूँ कि ये चीज बहुत क्लियर है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इस वक्त कोरोना से डील करने का ना शुरू में कोई गेम प्लान था ना आज है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है।
बहुत ही नीजर्क रिएक्शन दिए जाते हैं। अब इस तरह का जो ये लॉकडाउन, ये जिसकी बात कर रहे हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन कर देंगे तो केसेस रुक जाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी समझ ठीक है तो शुरू में मेरे ख्याल से हम लोगों को सबको ये कहा गया था कि 2 हफ्ते का एक पीरियड होता है जो कोरोना के वायरस आपकी बॉडी में जाके पूरा अपने पूरे फुल फोर्स में बाहर आता है। तो अगर किसी को है भी तो वो 2 दिन में क्या हासिल कर लेंगे और किस तरीके से उसे रोक लेंगे? साइंटिफिकली और मेडिकली अगर देखा जाए तो इसका आपके इस डिसीजन का कोई कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन बॉडी में घुसने से तो रोक ही सकते हैं, अगर किसी को कोरोना है और वो खुले में नहीं घूम रहा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी गलत फैसला लिया गया है। हाँ, जहाँ नुकसान हो रहा है, जैसे विकास जी ने अपनी बात रखी, अगर हम पहले लॉकडाउन को, जनता कर्फ्यू को सही समझ रहे थे, क्या हम तब ज्यादा डरे हुए थे? अब हमने जीना सीख लिया कोरोना के साथ, इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि काफी नुकसान हमने देखा, ये सभी को झेलना पड़ा। बहुत सारी सैलरी जो है लोगों की रुक गई, नहीं मिली उन तक। आ रहे हो विकास जी? मैं अब तक आ रही हूँ, मैंने आपको मौका दिया, एक बार सुन लीजिए डॉक्टर शालिनी को। डॉक्टर शालिनी, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि जो फैसला है वो गलत है? हाँ, किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वहां विचार किया जा सकता है। और विज साहब ने ये कहा है कि जहां पर भी मार्केट के लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहां पर स्थानीय जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से फैसला ले सकता है, तो कहां गलत है सरकार? तो अनामिका जी, इसी चीज पर मैं आऊंगी कि हाँ, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, ये राजस्थान सरकार ने भी ट्राई किया था, लेकिन और ये इन्होंने सैटरडे संडे को ही किया था, तो व्यापारी वर्ग ने आके बिल्कुल यही बात की थी जो हरियाणा के व्यापारी आज कह रहे हैं। ये देखते हुए उन्होंने ये फैसला उसके बाद ये मिड वीक चेंज कर दिया था कि सैटरडे संडे वाकई में तब होता है, वो दिन होते हैं जब लोग, स्पेशली जो कामकाजी लोग होते हैं, वो अपना अपनी शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन दूसरी एक और चीज अगर आप देखें, पैन इंडिया ये चीज देखें कि अब जहां जहां पे दोबारा कोविड हो रहा है या फैल रहा है, वहां लोग 2-2 दिन का लॉकडाउन नहीं, फिर वो स्ट्रेट 10 या 15 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, जिसका कि ज्यादा सेंस बनता है। क्योंकि 2 दिन के लॉकडाउन में आप एक मेडिकली इतनी वायरल चीज को आप किसी भी हिसाब से रोक नहीं पाएंगे, मेरा ये मानना है। जहां तक आप शराब के ठेकों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें कि सरकार ने सबसे पहली मूव जो की थी वो यही थी कि सबसे पहले जो चीज खोली जाएगी वो वही खोली जाएगी जिससे सरकार को मुनाफा होता है, जिससे सरकार का बिजनेस चलता है, एक्साइज चलता है। शराब के ठेके सबसे पहले खोले गए थे। तो सरकार इस वक्त जो हमें दिखता है वो ये है कि सरकार और आम आदमी, इन दोनों के के लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। सरकार अपनी रेवेन्यू तो गए थे वीकेंड लॉकडाउन पर। अनामिका जी, जिस प्रकार से धनखड़ साहब ने बात करी, इन्होंने कहा कि अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है, जो आज के समाचार पत्रों में जो बात आई, जिस प्रकार से विधायकों ने सवाल रखे थे, उनको डरा से जितने 200 के करीब सवाल थे उसमें से 40 करे हैं, तो विधानसभा सत्र जितना अंतराल कम है उसका अंदाज आप लगा सकते हैं जिस की आप बात कर रहे हैं धनखड़ साहब। ठीक है। दूसरी बात, वी साहब ने ये कहा कि भाई एक दिन का तो छुट्टी थी ही रविवार की, एक दिन का और किया है कोई बात नहीं। सारी जगह मुझे नहीं लगता कि रविवार की छुट्टी है, कुछ जगह अलग अलग दिन भी छुट्टी होती है, पर चलो वो इनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक तरफ तो हर चीज को फुल कैपेसिटी में चला रहे हैं, शराब फुल कैपेसिटी में बेच रहे हैं, हरियाणा रोडवेज फुल कैपेसिटी में चला रहे हैं, तो वो बातें उसके हिसाब से चलती नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार का जो फैसला था, हालांकि वो तो बाद में तो और देश के स्तर पे भी इस तरह की वो हुई कि इनके पास बेड तो है नहीं भाई। पहले तो जिसका भी पता चलता था, जब मरीजों की संख्या कम थी तो चलो क्वारंटीन करते थे हॉस्पिटल में, उसके बाद जब व्यवस्थाओं का अभाव रहा तो इन्होंने होम क्वारंटीन कर दिया। पहले शुरुआत में 21 दिन का था, केंद्र के स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी, फिर इन्होंने 2 हफ्ते का कर दिया, फिर इन्होंने 1 हफ्ते का कर दिया, और अभी खट्टर साहब की रिपोर्ट जिस तरह भी नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, उन्होंने खुद को 3 दिन के लिए किया। तो ये मतलब खुद ही क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। नेगेटिव आया था, उन्होंने खुद को वैसे ही 3 दिन नहीं, के लिए, मतलब उसका पर्पज क्या था भाई? अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी तो फिर उनको 3 दिन क्वारंटीन का क्या मतलब? अगर रिपोर्ट नेगेटिव है और हम अभी हाल ही में किसी के साथ मिलकर आए जो कोरोना पॉजिटिव है, तो वो सही कदम था। मैंने आज आपसे मुलाकात की, भगवान न करे अगर कोरोना है, मैं किसी एक बस एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, और मेरी कल रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है तवर साहब कि परसों तरसों मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। तो एहतियातन अगर क्वारंटाइन किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है सर?
चलिए, मेरा कहने का भाव ये है कि उनके पास सारी तरह की सुविधाएं हैं, सब तरह की बात है, मतलब एक गलत उदाहरण, गलत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया। विकास जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपको कोई आपत्ति थी या जवाब मिल गया धनखड़ साहब से आपके सवालों का? नहीं, मेरा नहीं, विकास जी एक सेकंड रुकिए, जो इन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक ऑब्जेक्ट किया शराब के ठेके वाले इशू पे, क्या सरकार नहीं फैसला कर सकती कि भाई ठेकों के बारे में जो इन्होंने दे दिया ना आदेश, पत्र लिख दिया? नहीं, क्या अनामिका जी, मैं कह रहा हूँ सरकार के स्तर का निर्णय ये डीसी महोदय पे थोप रहे हैं, ये अनुचित है। आप सीधा फैसला करें ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई डीसी किसी जिले में कोई शराब की बंदी करने वाला नहीं है, ये मतलब एक बात को टालने वाली बात है कि डीसी साहब को कह दिया। इस पे जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे, धनखड़ साहब इसका जवाब तैयार रखिएगा। विकास जी, कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या आप? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि देखो हमारा जो है समर्थन, विकास जी आवाज पहुंच रही है अब तक? वालों के साथ है ना, हम कांग्रेस वालों के साथ, मैं देखता हूँ संपर्क नहीं बन पाया। धनखड़ साहब जवाब दीजिए तवर साहब को। मैं तो फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं जवाब दे के ही उठता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो माननी गलती, कैसे माननी है तवर साहब बता देंगे, हिम्मत भाई बता देंगे, मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, ये सरकार से हुई है थोड़ी सी, आने वाले विधानसभा सत्र में इस वीक में है, उसमें बरोबर फैसले लिए जाएंगे। आप डीसी लोग वाली बात पर जवाब दीजिए कि टाला जा रहा है क्या? नहीं, बोल रहे हैं। और शनिवार इतवार को आप ये मान के चलो ओवर क्राउड होता है बाजार में, ये हम सब जानते हैं इस बात को, ओवर क्राउड बाजार में होता है थोड़ा सा, तो शनिवार इतवार का दिन इसलिए चुना क्यों, परसेंटेज जो है ना वापिस 5.32 आ गई, रेशो फिर बढ़ गई दोबारा मरीजों की, पहले जो नीचे गई थी 3.89 तक आ गई थी, दोबारा फिर उठना शुरू हो गया। तो सरकार ने ये फैसला लिया इस वीकेंड को करके, उसके बाद विधानसभा सत्र आएगा, सारी पार्टियां आऊंगी, जो भी फैसला लेगा प्रदेश की जनता की भलाई का और लिए सब पार्टी मिलकर फैसला ले। जहां तक दारू की बात है, बिल्कुल तवर साहब मैं तो बैठते ही मानिए, अनामिका है, सारे दर्शक सुन रहे हैं भाई, ये जरूरी चीज में नहीं है, मैं तो खुद मान रहा हूं इस बात को, इसमें फैसला सरकार को लेना चाहिए था। आज जो डीसी साहब को कहिए, वो देखते हैं अगले वीक में ये भी फैसला एक साथ इस तरह का आएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। जहां तक बात, मैं फिर कहता हूं तवर साहब, हरियाणा में आपने बार बार एक बात गिनवाई, 20 तारीख तक तनख्वाह आ रही है, अरे हरियाणा 20 तक तो आ रही है, प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है, दूसरे देशों का क्या हाल है, इतनी बड़ी महामारी थी, वाकई तकलीफ है, सरकार बड़ी लाग लपट करके बड़ी हिम्मत से सेंटर से पैसा मांग के काम चला रही है, कभी बुरा वक्त आता है चाहे किसी भी समय आया हो, महामारी आ जाती है, सूखे पड़ जाते हैं, होती है तकलीफें, घर में नहीं होती क्या? सरकार भी एक घर ही है, प्रदेश एक घर है हमारा सबका, मिलजुल का हमने ये आगे बढ़ना है, कमियां अपनी दूर करेंगे, छोटी मोटी गलती किससे नहीं हो जाती। मैं तो फिर कहे बैठते ही, ये आने वाले अगले हफ्ते में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लॉकडाउन आप मान रहे हो, कभी कह रहे हो रेगुलर कर दो, कभी कह रहे हो भोजन क्यों किया, विषय विषय वो नहीं, नहीं रेगुलर बीच में नहीं बोलना होता, मैं तो आप खूब बोल रहे थे, मैं तो बोल रहे थे आपके बीच में, ये एक काउंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रोक, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि कभी खोलने ही कह रहे हैं, कभी लॉकडाउन को लगाने ही कह रहे हैं, देखिए बात वो नहीं है, बात ये अगर मामले आप बढ़ रहे हैं, आप एक हफ्ते का करिए ना, आप दो हफ्ते का करिए, उसे तो रुकावट आएगी ना, ये जो एक दिन वाली बात है ना, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं आएगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए। तवर जी, मैंने बैठते ही जवाब दिया, दूसरे सेकंड राउंड में मैंने आपके बाद मैंने जवाब दिया था, रेशो क्या से क्या बढ़ गई, वीकेंड में थोड़ी सी क्राउड हो जाती है बाजार में, सरकार ने जब आप रविवार को मान रहे हैं कि रविवार तो वैसे ही बंद है, तो एक दिन में ही ऐसी कौन सी क्राउड रोक देंगे आप? देखो लॉकडाउन जब से खुला है रविवार बंद नहीं हुआ है, खुला रहा है, रविवार हमेशा बंद होते थे और हरियाणा में आमतौर पर रविवार ही बंद होता है, ये आपको पता है। रेशो की जो आई है, मैंने बताई 3.89 से बढ़कर पिछले वीक 5.32 हो गई, तो सरकार ने इसको चिंता में लिया है और दो दिन का लॉकडाउन किया है आने वाले विधानसभा में सत्र का, आप भी वहां होगे, आपकी पार्टी वहां होगी, कांग्रेस भी वहां होगी, सब मिल बैठ के फैसला करेंगे, प्रदेश की भलाई के लिए होगा वो करे जाएगा। ठीक है, जवाब मिल गया, को मानना भी अच्छी बात है, जवाब मिल गया है। जवाब तो मेरे को कहाँ दिया जवाब, उन्होंने जवाब तो किसी बात का नहीं वो दिया, तो कह रहे हैं कि छोटी मोटी गलती होती है, हमने स्वीकार किया और सुधार कर रहे हैं। अनामिका जी, आज जो है हरियाणा भी और पूरा देश भी आज कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज को पार कर चुका है,
आज आप इस लॉकडाउन को बंद करके लगा करके, आज अमेरिका ने लॉकडाउन खोल दिया, आज कनाडा में लॉकडाउन खुल गया, आज यूका जो सारे तमाम देश हैं उनके अंदर आज लॉकडाउन खुल चुका है। लेकिन आज जनता को, आज जनता अपने आप में भी बहुत अवेयर हो गई है, सरकार के साथ कदम से कदम जो है मिलाकर के जनता ने पूरा सहयोग दिया है। तो आज कम से कम अगर आपको करना है तो कम से कम इस चिंता के साथ आपको तैयार रहना चाहिए था कि इन जो व्यापारी हैं जिनकी दुकानों का ऊपर जो है ये कितने महीनों से जो है आज घर में बैठे थे, आज इनको कितना नुकसान हो गया है, इनकी भरपाई करने की सरकार के पास कोई योजना थी क्या? पहले इनको विश्वास में लेते, इनको विश्वास में ये लेकर के कि भी सरकार आपके साथ खड़ी है, आ रही हूँ मैं। आपके ऊपर तमाम कर्जा जो हुआ है, आपको जो तकलीफें हुई हैं, आपको हम जीएसटी के माध्यम से कोई लाभ पहुंचाएंगे, आपके हम किराए के माफी हम कोई करेंगे। आपने एग्जाम्पल दे दिया अमरीका, कैनेडा और सब सब जगह का। अमेरिका कैनेडा के अंदर 800-800 डॉलर जो है एक एक हफ्ते के जो है लोगों के अकाउंटों में दिए गए हैं, वहां के व्यापारियों को जो है बेल पैकेज दिए गए हैं। आपका जो रवैया है वो आपने छोटे व्यापारी जो सबसे ज्यादा जो है देश को टैक्स देता है उसको दुधारू गाय समझ लिया, उसका दूध निकाल देते हो और फिर उसको हांक देते हो। आज आपका जो ये दोहरा रवैया है, 2018 के अंदर अनामिका जी, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो है ये एक कानून बनाया, ये जिसको बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में पीले बाट। अच्छा। पीला बाट होने का मतलब होता है कि व्यापारी अपना जो है, बड़े जो व्यापारी हैं वो अपना ये दिवालियापन घोषित कर देते हैं। उसकी जो संख्या थी वो 83,000 करोड़ थी और 2100 सिर्फ ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने ये दाखिल किया। आज वो संख्या जो है 9600 संख्या है और ये जो अमाउंट पहुंच गया है वो 3,70,000 करोड़ पहुंच गया है। आज बैंकों को 2,00,000 करोड़ रुपया सिर्फ अपने बैंक चलाने के उसके लिए चाहिए, नहीं तो बैंक दिवालिया हो जाएंगे। आज बेरोजगारी किस स्तर पे पहुंच गई, आज 45% जो है हरियाणा का जो है युवा बच्चा आज बेरोजगार बैठा है। तो आज आपकी चिंता ना व्यापारी के साथ है, ना जमींदार के साथ है, ना नौजवान के साथ है, सिर्फ आप उनके ऊपर जो है कानून थोप देते हैं। आप कम से कम सरकार हैं, आप सरकार एक माँ बाप का फर्ज निभाती है प्रदेश की जनता के लिए, आप कम से कम कोई सुरक्षा, कोई उनकी मदद का कोई घोषणा आज आज तक मुख्यमंत्री जी ने की, डिप्टी सीएम साहब ने की, सरकार ने की, तब तो आप जवाब लगा सकते हैं जनता के ऊपर। आपकी तरफ से सरकार ने जनता को, इस देश के प्रदेश के व्यापारियों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। बोलने दीजिए सर। हाँ, जवाब। हेमंत यादव जी बहुत अच्छे वक्ता, बढ़िया बोल रहे हैं, परंतु मैं कह रहा हूँ ईमानदारी की बात, कांग्रेस ना करे तो अच्छा रहे। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, कार्यकारी अध्यक्ष है, उसकी क्या हालत है? बेल पे वो, हरियाणा में क्या हाल हो रहा है, कितने प्लॉट किसको दे दिए गए, सारे केस चल रहे हैं, हुड्डा साहब जेल की तैयारी कर रहे हैं। तो ईमानदारी की कम से कम बात ना करें। ये महामारी है, पूरी दुनिया पे है, देश संकट में है, प्रदेश संकट में है, और जो हालत आज आप बता रहे हैं ना, व्यापारी की, किसान की, जो बातें कर रहे हो, इस देश पर सबसे राज ज्यादा कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने इस देश का भट्ठा भट्ठा दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं की, उनको यह नहीं पता सीमा हमारी कहां तक है। कांग्रेस पार्टी क्या बात करी, ईमानदारी की बात करी है। कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज दिखती है, सोनिया जी के बेटे को दोबारा कैसे बैठाया जाए। कांग्रेस पार्टी में एक ही क्वालिटी है बस, और कुछ नहीं है। सोनिया जी के बाहर जा ही नहीं सकती कांग्रेस, जाएगी तो यही हाल होगा। एक साल में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए, स्थायी अध्यक्ष नहीं बना पाए, इतनी चिंता का विषय। आप मुद्दों की बात करो, ले जाकर की बातें करें, आप भी लंबे लंबे के गए, आप सेंटर की बातें के बाद, आप प्रदेश की बातें करें, आप सेंटर पर निकल गए, आप मोदी पर निकल गए, मैं मोदी का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, मैं भी यही बता रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप भी तो बोल रहे हैं। साथ खड़ी थी, मैं कह रहा हूँ आप कहाँ खड़े थे, कहाँ बैठी थी, पता है कांग्रेस की आज क्या हालत है सबको पता है। इतना बड़ा देश में राज करने के बाद भी 10% जीते नहीं कांग्रेस के पास, क्यों हालत ऐसी है? इसलिए हालत ऐसी है, ना किसान का कभी भला किया, ना व्यापारी का भला किया, ये कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती। बहस ये नहीं होती, अगर आप बोलो मैं भी बोलूं, बहस ये होती है, पहले आपकी सुनी, मैंने सुनी, बड़े आराम से सुनी। आप पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मैं तो नहीं बोल रहा बीच में, आप बीच में टूट पड़े, भटको ना धरगढ़ साहब, मुद्दों से नहीं भटकते। अरे आपके डिप्टी सीएम नकारा, आपके डिप्टी प्रदेश के अध्यक्ष लगातार 2 साल रहे, उन्होंने कहा आपके मंत्री बन रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी है। दादा गौतम ठीक है, अपने ठिकाने पे बीबीसी भी आज तक कवर कर रहा है, घबरा मत है, बीबीसी विधानसभा में आएगा दादा गौतम, हमसे बाहर नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, अब ये डिबेट कहीं और जा रही है, नकारा सरकार चल रही है,
बात वीकेंड लॉकडाउन पर ही रहने देते हैं डॉक्टर शालिनी। कोरोना की बीमारी चल रही है, विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। हाँ। मैं हैरान हूँ इस बात से और उसको नकारा बता रहे डिप्टी सीएम को। क्या बात कर रहे हैं, क्या सरकार चला रही है? कोरोना की बीमारी में तो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उनकी जनता के प्रति क्या संवेदना है, सरकार की क्या संवेदना है? कार्यालयों को उद्घाटन हो रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन को बहुत गंभीरता से चुनाव प्रचार के अंदर सरकार ने लागू किया, लेकिन इसका जिस तरह का असर देखने को मिला उस पर हम आज बात कर रहे हैं। ट्रैक पर रहने देते हैं डिबेट को। डॉक्टर शालिनी जी, अनामिका जी, ये आपस में छींटाकशी जो है इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज की, ये कभी खत्म नहीं होती है। और जैसा कि आप कह रही हैं, मुद्दा इस वक्त ये है कि ये वीकेंड लॉकडाउन जो है क्या ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, और जो व्यापारी हैं वो जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या उनकी मांग उचित है कि नहीं है। तो इन दोनों ही इश्यूज पे, इन दोनों ही मुद्दों पे मेरा यही मानना है, जैसा मैंने पहले कहा कि इफेक्टिव अगर है लॉकडाउन, कोई आपकी एक स्ट्रैटेजी है, कोई एक थिंकिंग है, एक लॉजिक है उसके पीछे, तो ये बात बनती है कि आप लॉकडाउन करिए। लेकिन वही है कि एक दो दिन का लॉकडाउन आपका जो, अगर आप कह रहे हैं फायदेमंद नहीं होगा, हिसाब से हाँ कारगर नहीं होगा ये रोकने के लिए, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि सरकार कुछ कर रही है, इस तरह के फैसले लेना, नीजर रिएक्शंस लेना, मेरे हिसाब से कोई। चलिए मैं दोबारा लौट रही हूं आपके पास, एक एक फाइनल कमेंट ले ले, 10-10 सेकंड सबके पास। विकास जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई, कांग्रेस साथ खड़ी थी तब कि हम ये दो दिन का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक, अभी आपको जवाब मिला क्या धनखड़ साहब की तरफ से, सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला? बिल्कुल नहीं मिला जी, ये आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, जनता के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल मतलब बिना मुद्दों को सोचे हुए काम का, अध्यक्ष की बात क्या चाहते हैं सरकार से, राजस्थान की बातें क्या चाहते हैं सरकार से, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये चाहते हैं। देखो कोरोना जो है, मैं खुद कोरोना से गुजर चुका हूँ, मैं कोरोना से ठीक हो चुका हूँ, मेरी पूरी फैमिली को हो गया था, जबकि हमने पूरा प्रोटेक्शन लिया हुआ था, मेरे जो काम करने का ठिकाना है उसमें बढ़िया तरीके से सैनिटाइजेशन। अच्छा कमाल की बात है, मैं ग्राहक को डील नहीं करता, मेरे लड़के करते हैं, उनमें किसी को कोरोना नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं सर, 10 सेकंड का ही वक्त था। मैं आपको ये कहता हूँ जी, सरकार से मैं ये चाहता हूँ, हम व्यवसायी को, हम जैसे जिस हाल में हैं अपने आप छोड़ दीजिए, हमारे हाल पे हम अपने आप काम कर लेंगे, हमें टैक्स भरना है, हमें किराया देना है, हमें अपने बीवी बच्चों को पालना है, तवर साहब, हमें अपना परिवार चलाना है। पहुंच गई आपकी आवाज तवर साहब। अनामिका जी, अभी बात चल रही थी कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, किसको क्या मिला। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से हरियाणा के थानों से, हरियाणा के एक्साइज स्टोर से, हरियाणा के L1 में जिस प्रकार से शराब की चोरी हुई, वो झूठी चोरी दिखाई गई, और उसकी ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश के कई हिस्सों में वो तस्करी हुई, ये कोरोना काल में सरकार के संरक्षण में ये हुआ। दूसरा, कोरोना काल में ही जो रजिस्ट्रियों का खेल हुआ वो आपने सबने देखा, जिस प्रकार से अनेक मतलब लॉकडाउन नहीं नहीं हाँ। नगर नियोजन अधिकारियों की वहां पे उपस्थिति के बावजूद भी, सर आप रजिस्ट्री के खेल पर बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं लॉकडाउन पर बोलिए, ये कोरोना का ही खेल है। चलिए ठीक है डॉक्टर, कोरोना का ही खेल। डॉक्टर हिम्मत 10 सेकंड। अनामिका जी, मैंने पहले भी दोहराई ये बात कि प्रदेश की जो सरकार है उसको जो है जनता के दर्द को, पीड़ा को समझना चाहिए कि किस तरह से 4-5 जो महीने का ये जो संकट है, किस प्रकार से उनको जो नुकसान हुआ है, आज सरकार को कम से कम कोई पहल करनी चाहिए थी कि उनको किस तरह से राहत दी जाए, आज उनके रोजगार की व्यवस्था आगे कैसे करी जाएगी, जो लोग इफेक्टेड हो गए उनके पुनर्वास कैसे किया जाएगा। आज जनता जो है वो सीख गई है, अगर जनता का प्रशासन गाइडलाइंस देगा तो उनको फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये जबरदस्ती लॉकडाउन थोपना अब कोई फायदा जो है करने वाला नहीं है, इससे कोरोना नहीं रुकेगा। आज बेड की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। धनखड़ साहब, इस बार मैं चाहती हूँ कि विकास जैसे तमाम लोगों को जवाब मिले। विकास भाई को तकलीफ है, बिल्कुल सरकार इस पर ध्यान देगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस तरह से तवर साहब ने जो दो मुद्दे लगे, दोनों में कार्रवाई हुई है, इस सरकार ने कार्रवाई की करने लग रही है, सस्पेंड कर दिए तहसीलदार, FIR थानों में कर दी, आगे कार्रवाई चल रही है, SAT की रिपोर्ट आ गई, उसमें वो भी कार्रवाई होगी। हिम्मत सिंह जी, मैं फिर कहता हूँ,
एक मुंह दो बातें कभी अच्छी नहीं लगती। राजस्थान में 2 दिन का लॉकडाउन बहुत अच्छा लगता है आपको, हरियाणा में करते आपको तकलीफ होती है, तो ऐसी बातें ना करो। ये जनता जनार्दन सब जानते हैं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब पढ़ाई करते हैं, सब न्यूज देखते हैं, राजस्थान में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बिल्कुल राजनीति, आपने ये मान के चले, राजनीति राजनीति कर, ये बीमारी है, वक्त नहीं है। 2 दिन का लॉकडाउन है, विधानसभा का 17 है, उसमें आपकी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, आगे सरकार उस पर काम करेगी। चलिए ठीक है, डॉक्टर शालिनी जी, अनामिका जी, देखिए मुझे लगता है कि काफी विश्व भर में और हमारे देश में तो खास करके देखा गया है कि काफी सरकारें बिल्कुल ही विफल रही हैं कोरोना से डील करने के लिए, क्योंकि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही टूटा हुआ है। तो अभी इस तरह से ये कुछ एक स्टेप्स लेना और दिखाना कि हम इससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ज्यादातर सिर्फ दिखाने के लिए ही हो रहा है, लेकिन हालात जो हैं वो किसी के भी काबू में बिल्कुल नहीं है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर ब्रोकन है तो आप सिर्फ जनता में एक तरीके का ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है। अब चाहे वो कोशिश किसी भी तरह, सर ऊपर हो पांव नीचे हो, किसी भी तरह की चल रही है, लेकिन दरअसल बात यह है कि हो क्या रहा है और उसका क्या नतीजा होगा, मेरे ख्याल से किसी को भी इसमें क्लियर थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। टैक्स की जहां तक बात है तो सही बात है कि सबसे ज्यादा मारा गया इस कोरोना के दौरान टैक्स पेयर है, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को कोई रिलीफ नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, रिलीफ के लिए सरकार का यह फैसला था या लोगों का सुख चैन बिगड़ गया, इस पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे नुकसान का क्या, सरकार की तरफ से क्या जवाब रहता है और सरकार की इस मंशा को लोग कितना समझ पाते हैं कि ये आप सबों की सुरक्षा के लिए ही ये आदेश आया था, अभी अभी तक जो है कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, क्या लोग इसे समझ रहे हैं? क्योंकि हमने मिला जुला असर देखा, ऐसा नहीं है कि हर तौर इसकी जो है इसका विरोध हो रहा है, लेकिन जहां कहीं पर भी विरोध हो रहा है उनके सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से पहुंचे, यही कामना है। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहां पर आने के लिए और इस डिबेट में हमें फिलहाल यहीं रुकना होगा। आप सभी देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।